हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों मैकबुक में मेनू बार में अगर आपके पास बैटरी आइकन शो नहीं हो रहा है, हाइड हो गया है या फिर रिमूव हो गया है, तो उसको कैसे अनहाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास मेनू बार में बैटरी आइकन शो हो रहा है। तो यहाँ पर आपको मैकबुक के सेटिंग में आना है, यहाँ पर सिस्टम प्रीफरेंस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैटरी का आइकन है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर शो बैटरी इन मेनू बार, यहाँ पर इस बॉक्स में अगर आपके पास अनचेक है तो यहाँ पर आपको मेनू बार में बैटरी आइकन शो नहीं होगा, तो आपको यहाँ पर ये बॉक्स में चेक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेनू बार में मेरे पास यहाँ पर मैकबुक में बैटरी आइकन शो हो गया है। तो गाइस, इस तरीके से आप इजीली, अगर आपके पास भी मैकबुक में मेनू बार में बैटरी आइकन शो नहीं हो रहा है, तो उसको शो कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।